राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल हिनौती में बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़। देश एवं प्रदेश में शिक्षा स्तर सुधारने के लिए सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे भले ही किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट देखे पर पाया जाता है कि 1 से 12 तक संचालित विद्यालय में कुल 7 शिक्षक स्टाफ पदास्थ हैं, जिनमें 2 से 3 शिक्षक ही वर्तमान में उपस्थित पाए जाते हैं। जब इस विषय में प्रभारी प्रचार से जानकारी लेने पर बताया गया एवं साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। संकुल केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक को विद्यालयों की स्थिति पता है, पर हम अपने स्तर से पूरी कोशिश करते हैं। इसमें हम शिक्षक स्टाफ की कोई गलती नहीं है। मेरे संवाददाता द्वारा बच्चों द्वारा बताई गई समस्या पर प्रधानाध्यापक से सवाल किया गया। प्रधानाध्यापक ने जवाब देते हुए सीधे कहा कि इस बात की जिम्मेदार भी शासन है। विद्यालय में शिक्षकों का बड़ा अभाव है, जो बिल्कुल सही है। अभी शिक्षण कार्य में कुछ समस्या बनी हुई है। अतिथि शिक्षकों के नियुक्त होने पर पठन पाठन के कार्य में सुधार हो जाएगा। जब सरकार मास्टरों की भर्ती करेगा तभी तो मास्टर रहेंगे। हमारे विद्यालय में 2-3 मास्टर हैं, 12वीं तक विद्यालय है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती 14 अगस्त को की गई है। 2 महीने बीत जाने के बाद अभी कोशिश की जा रही है। वहीं उपस्थिति लोगों द्वारा बताया गया कि हम लोग गरीब घर के हैं, इसलिए यही आशा से विद्यालय बच्चों को भेजते हैं कि पढ़ाई होगी, लेकिन बच्चों द्वारा बताया जाता है कि कोई मास्टर ही नहीं है। आज दिनांक तक फिजिक्स केमिस्ट्री एक पाठ भी नहीं पढ़ाया गया। बच्चों द्वारा कहा गया कि आखिर त्रैमासिक परीक्षा में क्या लिखेंगे। हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपके विद्यालय के अंतर्गत अरगट गांव में कोई विद्यालय है, वहाँ के टीचर यहाँ शो कर रहे हैं कैसे? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल साथ है। चंद्रशेखर आजाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरगट है, वहाँ के जो टीचर हैं सब इसी हिनौती डाइसकोड में दिख रहे हैं, और ये इसी कारणवश यहाँ के टीचर यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए आप कटवाने के लिए या कहीं आवेदन दिए ऑफिस किया गया? सर बहुत प्रयास किया गया, लेकिन ऊपर से कोई कटने पत्र भी दिया गया। डीओ साहब को पत्र दिया गया, संयुक्त संचालक डीबा को दिया गया, मैहर कलेक्टर को दिया गया, पर हो गया। तो कि जैसे आपके विद्यालय में साफ सफाई के लिए आता है जो राशि, तो अभी विद्यालय जो देखा गया तो पहले राशि आता था सर सफाई के लिए नहीं आता, अब चारों तरफ से बाउंड्री टूटी हुई है, देख रहे हैं यहाँ दिन रात मवेशी हैं। फिर प्रशासन द्वारा जब रात इसको शाम को 5 बजे विद्यालय बंद हो जाएगा, बारिश होती है, पूरे मवेशी आ करके सब वहीं ठहरते हैं, वहीं कचड़ा करते हैं, और दिन में फिर जब विद्यालय खुलता है तो सफाई करवाते हैं। अब कहाँ लग सफाई, बहुत ज़्यादा घास फूस है, इससे तो खतरा कल हो सकता है बच्चों को। यहाँ दवाई डलवाएं सर, जो सामने है दवाई डलवाएं, अब पीछे भी है उसको दवाई डलवाना, लेकिन समय नहीं मिलता, इतनी बारिश होती है कि समय नहीं मिल पाता। सर ये तो हम निवेदन करेंगे, तो इसको तो आप तत्काल करवा दीजिए, क्योंकि बिल्कुल करवाएं बच्चे जी बिल्कुल, जो 8-10 घंटा, जो 5 घंटा 4 घंटा जो भी आते हैं, तो उनके माता पिता तो आप ही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लगे हैं प्यास में, बारिश खत्म हो जाए, धूप की मैं तुरंत दवाई डलवाऊंगा इसमें, ठीक है। ये आगे बहुत कचरा। क्या नाम है आपका? हमारा जगदीश सिंह नाम है जी। यहाँ किस पद में है? प्रधानाध्यापक है, प्रभारी प्राचार्य। तो बच्चों द्वारा कुछ बताया गया सर कि हम लोगों को पढ़ने के 2-3 महीने बीत गए? हाँ, अभी तक को फिजिक्स और बायो के टीचर जुलाई अगस्त में 14 तारीख से इन लोगों को भर्ती हुई जिस टीचरों की, बाकी टीचर नहीं थे, टीचर कम है, तो बात तो सही बच्चे बताए। इसके पहले तो अन्य विषय में भी न रहे होंगे सर? कौन विषय अन्य? अभी जैसे आप बताएं कि अभी 15 अगस्त के बाद उच्च विभाग में क्या है, हमारे यहाँ जितने गेस्ट टीचर वो गेस्ट टीचर भर्ती, उच्च विभाग में हमारे यहाँ रेगुलर टीचर हाई नहीं है जी। हाँ बिल्कुल नहीं। कितने हैं रेगुलर टीचर सर? रेगुलर टीचर है हम लोग 7 जन, तो 2 जने प्राथमिक में हैं जी, और 2 माध्यमिक में हैं हम, और 1 और हैं जी, और हाई स्कूल में 1 है, बस हो गया जी। कितने टीचर हैं? और जो अतिरिक्त शिक्षक हैं सर वो कितने हैं? वो आ गए 9। ये तो 15 तारीख के बाद हुआ सर? नहीं, 14 तारीख को उनकी ज्वाइनिंग हो गई जी, वो 14 तारीख से लगातार आ रहे हैं जी, बाकी 2 महीने हाँ, जो फिजिक्स की बात है उनकी अभी नहीं हुई है जी जी। तो फिजिक्स और बायो के लिए आप कहीं आवेदन? बायो के लिए आवेदन नहीं है, उसमें है बारसा में पद दिखा रहा जी, अब यहाँ कोई आ जाएगा तो ठीक है, किस तरह व्यवस्था किया जाएगा फिर।
तो कब किया जाएगा सब, जब पढ़ाई लगा बच्चों की चौपट हो जाएगी? क्या करें, सब शासन की व्यवस्था है सर जी। हाँ, प्राचार्य की थोड़ी, सब शासन की व्यवस्था है जी। हाँ, इनको तो हमारे उसमें होता अंडर में, तो मैं जुलाई से कर लेता, सब ऑनलाइन है सिस्टम जी। हाँ, तो ये लचर व्यवस्था है। हाँ, ऊपर से ही है, ऊपर से ही, ये सभी जगह है, यही बन रही जी, सभी जगह है। हमारे संकुलांतर्गत अभी एक आध दो विद्यालय ऐसे हैं तो उन लोगों की भर्ती नहीं है, कुछ प्राथमिक में है, माध्यमिक में है, इस तरह से है। करें सब्सक्राइब, करें बेल आइकन को टच करना ना भूलें, और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।